देखो हम पूरी कोशिश रख लो मुझे मैडम, मुझे अंदर रख लो, प्लीज रख लो मुझे। बिल्लू कितने वाहियात इंसान हो तुम, फिर आ गए देखो। पुष्पा जी मैं थाने में नहीं तो और कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा? पुष्पा जी छोड़ो हाथ हमारा, जाओ। संतोष जी इस गरीब के सर से छत क्यों चीर रहे हो? संतोष जी माता रानी का कोप हो जाएगा। मैडम सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ सुकून से क्यों नहीं रहने देते मैडम सर? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमाओ और अपनी एक पहचान बनाओ। पर हम वैसे भी बिना किसी चार्ज के तुम यहाँ नहीं रख सकते। पुलिस वालों का माल साफ करने के इल्जाम में तो अंदर कर सकते हैं ना? क्या ये तो हमारी अंगूठी है। मेरी घड़ी बिल्लू जी, ले जाओ इसे, ले जाओ। तुम अरे बाहर कहा, तुम नहीं सुधरोगे। अरे नहीं सुधरना है मुझे, बोलो अंदर चले, नहीं मतलब नहीं, जाओ। हाँ तो अब शांति से हमें बताओ कि हुआ क्या। ये देखिए हमारा टिफिन। जय हिंद मैडम सर, आपने बुलाया जी। ये देखिए ये है आर्यन और अनाया का टिफिन, जिसमें लंच के नाम पर आज ये सिर्फ बिस्किट और जैम है। जानती हैं क्यों? क्योंकि इनकी माँ इन्हें टिफिन देने की बजाय जाकर धरने पर बैठी हैं। पॉइंट क्या है मैडम सर? पॉइंट ये है करिश्मा सिंह कि इस धरने में पूरे शहर की औरतें शामिल हो चुकी हैं, जिस वजह से किसी घर में कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, ना साफ सफाई हो रही है, ना कपड़े धुल रहे, ना ही कोई खाना बना रहा है। और इस सब का असर उन छोटे छोटे बच्चों पर हो रहा है जो भूखे प्यासे बिना टिफिन लिए स्कूल जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैडम सर? क्यों सिर्फ घर की औरतें खाना बनाएं? क्यों घर के मर्द खाना बनाना नहीं सीखते? क्यों हफ्ते में एक दो बार खाना बना के वो औरतों की जिम्मेदारी में हाथ क्यों नहीं बटाते? क्यों उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी बराबरी का एहसास उन्हें क्यों नहीं कराते? करिश्मा सिंह आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारे मुद्दे बैठकर बातचीत से भी हल किए जा सकते हैं। मैडम सर जब बच्चे को भूख लगता है ना तो उसको भूख बताने के लिए रोना चिल्लाना पड़ता है, तब जाके उसका सुना जाता है और उसको दूध दिया जाता है। तो आवाज उठेगी तो शोर भी होगा मैडम सर, और शोर मचेगा तो तब जाके चिंतन पांडे जैसे लोगों के कानों में पहुंचेगी एक आम गृहिणी की आवाज। जब घर संभालेंगे ना ये मर्द तब उन्हें पता चलेगा एक एक, एक हाउस वाइफ की इम्पोर्टेंस। आप सुनिए हमारी बात, समझिए ना जरा इस बात को। बच्चों को ऐसे देखिए, मैं अपने बच्चों को यहाँ से ले जाने आया हूँ और उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सॉरी मैम, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाउसवाइफ के बिना घर नहीं संभाला जा सकता, बच्चे नहीं संभाले जा सकते, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर घर चलाने के लिए एक औरत ही चाहिए तो वो मेरी माँ क्यों नहीं हो सकती? चलो बच्चों, अब आप लोगों का ध्यान रखने के लिए कानपुर से आपकी दादी अम्मा आ रही है। पापा पिज्जा? नो पिज्जा, घर का खाना, हेल्दी खाना, ठीक है? चलो 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 चलो। ये भी कोई बात हुई? बच्चों का मन करता है कभी कभी चटपटा खाने का, खिला देना चाहिए उनको। हम तो हमारे पोते पोतियों को ना ऐसी चटपटी चीजें खूब खिलाएंगे। खाना खुद ने है, बिल पोते पोतियों पर फाड़ रही हैं। क्या क्या नहीं कुछ कहा आपने? हाँ हमने ये कहा कि पूरा लखनऊ जानता है आपके चटोरे स्वभाव के बारे में। लखनऊ में ऐसा कोई भी गोलगप्पा का ठेला नहीं है जहाँ पे इनका उधार नहीं चल रहा होगा। इनका चेहरा देखिए, अरे चेहरा देख के कोई भी बता देगी कितने गोलगप्पों के राज छुपे हैं इस गोल से चेहरे में। ये 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 सब क्या है? वो मासूम बेजुबान गोलगप्पे हैं बेचारे, जिनकी चीखें फूट रही हैं यहाँ से, देखिए आप, और कह रही हैं कि इनकी तरह बनेंगे हमारे बच्चे। फोन टूटा है ना तुम्हारा? तो क्या आपकी तरह बनेंगे? हाँ, कड़वा करेला, कुनैन की गोली, भरी हुई बंदूक। हम अपनी दादी के साथ रहेंगे ना तो कम से कम एक इंसान तो बनेंगे। आपके साथ रह के क्या बनेंगे? बम का गोला जो बात बात पे जगह जगह पे फटता फिरेगा। हमारा चाहे फटे चाहे सुसुरी बने, हमारे बच्चे आप दूर रहिएगा उनसे। ये क्या बात हुई, हम भी दादी होंगे उनकी और उनपे अच्छे संस्कार करना हमारा फर्ज होगा। हाँ तो हम माँ होंगे उनकी और उनको संस्कार देना हमारा भी फर्ज होगा। बस कीजिए आप लोग। कौन से बच्चे, कौन से पोता पोती? जो पैदा नहीं हुए उन बच्चे के लिए अभी से लड़ रहे हैं आप लोग।
अगर आपको किसी चीज की फिक्र करनी ही है तो इस थाने की कीजिए और अपनी अपनी सैलरीज की कीजिए। ये बाहर धरने पे जो बैठे हैं ना लोग, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो ना ये थाना बचेगा और ना आप लोगों को अपनी अपनी सैलरीज मिलेंगी। तो इसलिए जाइए, अपना अपना काम करिए। मैडम, मैडम जरा बाहर आइए, कुछ दिखाना है आपको। क्या हुआ? मैडम अगर हम यही बता देंगे तो आप यही कूटेंगे हमको, आप खुद देख लीजिए। आइए। हमारा बाइक का टायर? अम्मा चुप करो! अम्मा किसका इतना हिम्मत? कौन चुरा है हमारे बाइक का टायर? किसका इतना हिम्मत हुआ? हाँ, कौन चुराया ये? हम पताल से खोज के ले आएंगे और ऐसा भौकाल मचा देंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसे नहीं देखा। आप क्या कहना चाहेंगी? अम्मा हटाओ इसको। किसने इतना हिम्मत कर दिया भाई? क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैडम सर, कानून का डर ही नहीं है चोर चक्कों को। हमारे बाइक का टायर चुरा के लेके गया दिन दहाड़े, हमारे बाइक का। अब आप ही बताइए मैडम सर, एक लप्पड़ लगाए या आपके जज्बातों के किस्से सुनाए उनको? कैसे समझाए कि एक पैर की चप्पल और एक टायर का बाइक किसी काम का ही नहीं होता है? कैसे चलाएं हम अपना बाइक बताइए? अरे मैडम, हमने देखा है आपको बाइक चलाते एक पहिए पे, का गजब चलाते हो आप, वाह मान गए। तुम्हारा ये गोला जैसा मुंह उठा के बाइक की टायर की जगह लगा दे। हा? आप चुप रहेंगे जरा? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, वेतन दो। आप सब जरा चुप रहेंगे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि एक पहिए के साथ अगर गाड़ी नहीं चल सकती तो फिर गृहस्थी एक इंसान के भरोसे कैसे चलेगी? पति और पत्नी दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। जरूरत है तो एक दूसरे की अहमियत समझने की और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की, ना कि किसी एक की सेल्फ रिस्पेक्ट को मुद्दा बनाकर तमाशा खड़ा करने की। तजुर्बा कहता है हमारा कि रिश्ते का हक रिश्ता ही दे सकता है, कोई आंदोलन या धरना नहीं। आई होप अब आप ये पॉइंट समझ गई होंगी। बिल्लू लगा दो टायर। जी मैडम सर। बाजू 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 बाजू। तुम्हारी तो मैडम सर ने सुपर दिए। मैडम सर ने हमने हमने ये ड्रामा किया था आपको मुद्दा समझाने के लिए। मैडम सर, मैडम सर, अब मैं अंदर आ सकता हूँ ना? नहीं, आपके कहने से मैंने टायर चोरी किया। अभी चोरी किया तो क्राइम तो बनता है, हमें हवालात की हवा खानी है। मैडम सर, मैडम, मैडम सर, स्त्री की चुप्पी में हाँ होती है, कभी ना भी होता है। अभी टायर फिट करता हूँ। वेतन दो सेवा लो, वेतन दो सेवा लो, टोपा कहीं के सीधे। अब टायर चुराने से पहले नेम प्लेट भी पढ़ लेते मिस्टर बिल्लू कि करिश्मा सिंह का बाइक है वो। अम्मा हम ही से ही पंगा ले लिए तुम। न्यूज देखा क्या? कहाँ देखूं पुष्पा जी, फोन ही नहीं है मेरे पास अपना। फोन पे नहीं, टीवी पे। हटो, अम्मा हटो ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राधा के साथ औरतें जुड़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है, महिला आंदोलन व्यापक रूप लेता जा रहा है और इस धरने की गर्जना पूरे शहर में गूंज रही है। महिलाओं ने घर का काम बंद कर दिया है, मर्दों का बज चुका है बैंड। मर्दों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहले बर्तन धोएं या बच्चों की पोटी, रोटी बनाए या छुटकी की चोटी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, चक्कर सा आ रहा है, कोई तो बीवी वापस लाओ और इस आंदोलन से पीछा छुड़ाओ। ये देखो नौटन की बात, भला ऐसे कोई न्यूज देता है क्या? धरने की न्यूज दे रहा है या मरने की? एक बात बताए, एक औरत होने के नाते हम भी यही चाहते हैं कि राधा की जो इच्छा है ना वो सफल हो, मगर इस तरीके से धरना देके, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हमको धरना बंद करने जाना ही पड़ेगा ना।
संतोष जी, ऐसे क्या आप हमें घूर रही हैं? सब मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। एक औरत का दर्द नहीं समझते ना तुम मर्द लोग? कौन सी औरत? अरे बोलते एक औरत है, मतलब तो सब औरतों से है ना। तो आपको क्या लगता है मैं औरत का दर्द नहीं समझता? अरे सुबह सिर्फ हवा खा के निकला हूँ, मेरी माँ बहन बुआ मासी सबको राधा जी के साथ धरने पे बिठा के आया हूँ। मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ, इसीलिए तो महिला थाना में रहना चाहता हूँ, वरना मुझे क्या थाने की कमी है लाडो में? अरे सब थाने वाले मर रहे मुझे थाने में रखने के लिए। देखो मुझ जैसा कोऑपरेटिव आदमी, आप लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है पता नहीं। बेटा बिल्लू, आज हम सोचे थे कि तुम्हारी अकल को तुम्हारी शक्ल से मैच करेंगे। बहुत बढ़िया काम किए ऊपर आज तुम, इसलिए आज से तुम आजाद निकलो। नहीं नहीं मैडम, आजादी नहीं चाहिए। आप कहो तो मैं दोनों टांगे ऊपर करके खड़ा हो जाता हूँ। नहीं नहीं, फ्लो फ्लो में निकल गया। इससे पहले कि हमें दूसरा आइडिया आ जाए, निकल लो यहाँ से। मैडम चीटिंग चीटिंग। निकल क्यों कि मैं वापस भाग यहाँ से। क्या करे इस बिल्लू का। पुष्पा जी फोन लेना है, प्लीज मैडम सर से बात करो ना सैलरी की। हाँ हम बात करते मैडम सर से। हाँ करते हैं। पिछले 5 महीनों से आप सबकी अटकी हुई सैलरीज को निकलवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस राधा के मामले ने इतना ज्यादा तूल ले लिया है कि सब कुछ गड़बड़ा गया है। ऊपर से प्रेस मीडिया डीएसपी साहब सबको लग रहा है कि हम राधा को फेवर कर रहे हैं और ये पूरा थाना उसे सपोर्ट कर रहा है। मिल तो रहा है ना मैडम सर, करिश्मा मैडम दे रही ना उनका खुलेआम साथ। आपको बीच में बोलना जरूरी है पुष्पा जी। हाँ तो आपका भी हर केस में घुसना जरूरी है। देखिए आप लोग जरा केस पर रहेंगे, वैसे ही बहुत प्रेशर है हम पर। तजुर्बा कहता है हमारा कि पहले घर में रोशनी की जाती है, फिर मंदिर में दिया जलाया जाता है। पहले आप लोग अपनी अपनी नौकरियां तो बचा लीजिए, फिर तय करते रहिए कि कौन सही और कौन गलत। ये राधा का मामला अगर कुछ घंटों में खत्म नहीं हुआ तो आप अपनी अपनी सैलरीज तो भूल ही जाइए। ये थाना बंद होने से बच जाए वही गनीमत होगी। इसलिए सोचिए कि इस मामले को खत्म कैसे किया जाए। वैसे ही जैसे शुरू हुआ था मैडम सर, करिश्मा मैडम ने राधा के कान में क्रांति का मंत्र फूंक कर उसे धरने पे बिठाया था। हम उसके कान में शांति का मंत्र फूंक कर उसे वहां से उठाते। बस एक बार राधा धरने से उठ जाती है ना तो बाकी की सारी औरतें अपने आप शांत हो जाएंगी। अच्छा आपको लगता है कि ये इतना आसान है? ये लड़ाई अब सिर्फ राधा की नहीं है, पूरे लखनऊ की हो चुकी है और बहुत जल्द पूरे देश की हो जाएगी। ये नहीं सुधरेंगे। क्या? कुछ नहीं, एक बात बताइए हमको, आप चुनाव में कौन सा चिन्ह रखने वाली हैं, बम या तलवार? मतलब ये कि आपको नेतागिरी का शौक चढ़ गया है ना, तो आप छोड़ दीजिए पुलिस की नौकरी और जाइए राजनीति में, और वहां जाके उनकी जान खाइए, हमारी जान बख्श दीजिए। पुष्पा जी ठीक कह रही हैं। देखिए मैडम सर भी सहमत है हमसे। नहीं 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 नहीं, पुष्पा जी आपने ये ठीक कहा कि अगर राधा इस धरने से उठ जाए तो बाकी औरतें भी अपने आप हट जाएंगी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि राधा इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मान जाए। और करिश्मा सिंह, आज के बाद आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिसका खामियाजा पूरे थाने को भुगतना पड़े। और हाँ, इसे रिक्वेस्ट समझने की गलती मत कीजिएगा, ऑफिशियल वार्निंग है ये। याद रखिए कि जब मीठा ज्यादा ही पक जाता है तो जहर से भी कड़वा लगने लगता है। माफ कर दीजिए मैम, माफ कर दीजिए। मिस्टर चिंतन, अचानक आपको क्या हो गया? समझ गया मैं हाउसवाइफ का महत्व, समझ गया कि घर और बच्चे संभालना कितना मुश्किल है। राधा धरने पर बैठी है, बेट छुट्टी पर है, माँ कानपुर से आते ही मंदिर के सत्संग में चली गई, घर बच्चे सब मुझे संभालने पड़े, तब जाकर मुझे पता लगा कि कितना मुश्किल होता है घर संभालना।
कितना पेशेंस, कितनी मेहनत चाहिए बच्चों को संभालने के लिए मैम। मैं हार गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। देर है, दुरुस्त है। हमें खुशी है इस बात की कि आपको अपनी बीवी की अहमियत का एहसास तो हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ कर देंगी और बंद कर देंगी आंदोलन। हमें नहीं लगता वो इतना आसानी से मानने वाली है मैडम सर। आपको तो बहुत कुछ नहीं लगता करिश्मा सिंह। लेकिन बात करना तो जरूरी है। नहीं मैडम जी, ये धरना खत्म नहीं होगा। हमें माफी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं तब तक ये धरना भी खत्म नहीं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। राधा तुम ये सब क्या? सही कह रहे हैं मैडम। आज यहाँ आपके सामने माफी मांगकर घर ले जाएंगे, कल से फिर वही ढाक के तीन पार। यही होता है हम औरतों के साथ। हमें रिश्तों के नाम का चारा दिखाकर वही कोल्हू का बैल बनाकर घुमाया जाता है। लेकिन अब नहीं, अब ये धरना तभी खत्म होगा मैडम जी, जब हम औरतों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमें हमारे घर में सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, हमें वो कद्र मिलेगी जो एक महिला को मिलनी चाहिए, तभी ये धरना खत्म होगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज, धरने में बैठी राधा ने अपने पति की माफी को नकारा। फैल गई कुड़ी, मुंडे दी नींद उड़ी। अब देखना यह है कि क्या करेगा पति, क्या करेगी राधा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं हूँ आपका अपना, अरे मुझे कौन नहीं जानता, सारी न्यूज का एक ही अड्डा। मैं हूँ आपका अपना सनी चट्टा। हमने पहले ही कहा था ये इतना आसानी से मानने वाली नहीं है। क्रांति की ज्वाला है ये, फूक मार के बुझने वालों में से नहीं है ये। चीता की याद आ रही है। संतोष शर्मा जी, मैडम सर, फोन लगाइए हमारे विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को और पूछिए कि ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। मैडम सर प्लीज हमसे मत करवाइए। चीता ना काम की बात को कम करता और अपने पूरे गांव वालों से हमारी बात करवा देता। प्लीज मैडम सर। हम ही करेंगे मैडम सर। जय हिंद। मैडम प्लीज अरेस्ट मी प्लीज। अरे तुम फिर आ गए। अरेस्ट होने के लिए? किस जुर्म में भाई? आपके बाइक का टायर चोरी करने के जुर्म में। अम्मा वो तो तुम मैडम सर के कहने पे चुराए थे ना? पहले, अभी नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? आपके बाइक का टायर फिर से चोरी हो गया। चोरी हो गया? किसने चुराया अम्मा? कौन है वो? मैंने चुराया। क्यों चुराया? अंदर होने के लिए। तू टायर दे, दे टायर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं दे सकता? खा गया। हमारा टायर खा गया? बिरयानी। तो टायर कहाँ है? वही तो बेच के बिरयानी खाई। आपको बताया ना, मेरी माँ बहन एक होके राधा जी के साथ धरने पे बैठी, इसलिए घर पे खाना नहीं बना है। आपका टायर बेच के बिरयानी खाई। अंदर करो ना प्लीज 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 प्लीज। चल चल। क्या करे इस बिल्लू का? रुक। चैन मैडम सर। हो गई पूरे गांव से बात? जी मैडम सर। कुछ काम की बात हुई? जी मैडम सर, चीता ने कहा है कि मैं बंदे बालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ, तो मैं अपने बाल बांध कर आऊँ। काम की बात? अब जी मैडम सर, चीता ने कहा है कि अगर औरत बड़ा बवाल करती तो उसके पीछे कारण छोटा होता। कि सैलरी की बात नहीं, बात कुछ और है। कुछ और? ऐसी क्या बात हो सकती है? राधा, मैं यहाँ तुमसे धरना खत्म करने के लिए नहीं कहने आया हूं। तुम्हें जो करना है करो, बस मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम्हें वो कह सकूं जो शायद मुझे पहले कहना चाहिए था। रोज कहना चाहिए था, बार बार कहना चाहिए था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। इसलिए मैं आज सबके सामने तुमसे वो बात कहने आया हूं। थैंक यू राधा।
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप ना ऐसे सबके सामने हमसे माफी मांग के आपको शर्मिंदा मत करिए। देखा, बस इतनी सी तो बात थी, दिल से निकला एक लफ्ज, शुक्रिया। बस यही तो सुनना चाहती है हर गृहिणी, यही है इनकी असली सैलरी। इसी के लिए हो रहे थे ये सारे आंदोलन, ये सारे धरने। आप सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही है जो हर किसी की जिंदगी जीती है, फिर वो महिला चाहे बीवी हो, बेटी हो, बहन, फूफी, बुआ, कोई भी, वो एक अकेली सबका ख्याल रखती है। सुनने में बहुत छोटा सा लफ्ज लगता है, लेकिन अगर दिन में एक बार भी पूरे दिल से गले लगाकर कह देंगे ना, तो बहुत बड़ा लगेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, अब तक जिन्होंने ये नहीं किया है, घर जाइए और अपने घर की महिलाओं को कस के गले लगाइए और कहिए थैंक यू। अरे माँ, आप तो मंदिर गई थी ना? आपकी माँ जी मंदिर नहीं गई थी, मैडम सर के कहने पे हम उन्हें अपने घर लेकर गए थे। मैडम सर के कहने पे ही आपकी मेड ने छुट्टी का बहाना दिया था, और मैडम सर के कहने पे ही आपके बच्चों ने आपको जरूरत से ज्यादा तंग किया। आपकी बीवी आपसे जो कुछ भी मांग रही है ये सही है, इस बात का एहसास आपको दिलाना था, और ये करने के लिए जो हमें सही लगा हमने किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। कभी कभी सही के लिए गलत होना पड़ता है। सही कहा ना मैडम सर? चलिए अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। मैडम सर, थैंक यू। चीते तू आ गया? कैसे? अरे ये देखो, अपने चीता आ गया, संतू देख चीता आ गया। जय हिंद मैडम सर, चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ? वो कहा है वो ना मैडम सर, वो बस जो है वो पंचर है गई थी, तो बस वही बजाते लेट है वे। अबे टुंडा कैसे हुआ वो पूछ रहे मैडम सर? अच्छा ये वो का है तो ना मैडम सर, कि हम बस में बैठ के आ रहे थे आराम से शांति से, तो दूर कहीं हमें एक आम को पेड़ दिखाई दियो, और आम के पेड़ पे एकदम लप लपाता हुआ पीलो पीलो पको हुआ आम दिखाई दियो। हमने आम को देखो, आम ने हमको देखो, हमने आम को देखो, आम ने हमको देखो। आगे आगे फिर हमें वो एड फिल्म याद आ गई, जहां में एक खूबसूरत सी महिला अपने हाथ में आम लेकर के पको पको लप लपाता हुआ पीलो पीलो सो आम अपने मोहड़े के ऊपर ऐसे ला के निचोड़ रही है, और यहाँ ते जो है वाको जूस यहाँ ते रपट रपट के नीचे जा रहा है। और फिर हमें अचानक से याद आ गई हमारी संतोष जी, और फिर हमने सोचे कि यही आम यही तरीका थे, अगर हमारी संतोष जी खाएंगी तो। फिर फिर का मैडम, हम गए आम के पेड़ के पास, लपक के चढ़ गए आम के पेड़ के ऊपर। हमने आम ते कही ये भैया तुम्हें तोड़ ले मैं का, तो आम ने हम ते कही हाँ भैया तोड़ लो। हमने तोड़ ली,
फिर? अरे फिर का पुष्पा जी, फिर आगो बगीचा को मालिक, हमें धौंस दिखाने लगो। हम नीचे उतरे पेड़ के और छाती चौड़ी करके गए बाके सामने। हमने बातें कहीं सुन ले बेटा, पुलिस वाले है रखें, सनसनाती हुई कान के नीचे धर देना, अगर चकाचौंध है जाए तो घबरा को बेचारे को थर थर कांपने लगो। पता नहीं क्यों बाकी कुत्ता ना समझ पाए हमारी ये बात, दौड़ा लियो हमें, हम आगे आगे, कुत्ता हमारे पीछे पीछे। फिर हम हड़बड़ाहट में जो है फिसल के गिर गए और बस बाकी वजह थे ये चोट लग गई। आम लाए हो? वो तो कुत्ता के पास है। हो गया जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, आप ठीक हैं, ड्यूटी के लायक हैं या एक हफ्ते की छुट्टी और चाहिए? नहीं 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 मैडम सर, बिल्कुल कर लेंगे। अरे यहाँ पे आके तो हम जो है एकदम व्यवस्थित महसूस कर रहे हैं। वेल इन दैट केस वेलकम बैक। थैंक यू मैडम सर। कुत्तान से बच के रही हो संतोष जी। बड़ी मुश्किल से लेके आए आपके लिए। ये क्या है? हम भी कोई कम जिगर वाले ना है संतोष जी, खूंखार दरिंदा कुत्तान के मोड़े तक छीन के ला रहे हैं हम आपके काज। मैंगो से एलर्जी है। क्यों काहे को? अरे संतोष जी। ए टुंडे, अब ये कुत्ते के मुंह से छिना हुआ आम तू ही खा। मैडम सर, आप ये बताइए कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? बकवास चीज है शादी। वो सब तो ठीक है, पर लाइफ में एक बार तो ये बकवास सबको करनी पड़ती है ना। क्यों क्यों करनी पड़ती है? किसने कहा कि शादी करना जरूरी ही है? नहीं करनी हमें शादी? हेलो हेलो मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप जो भी बोल रहे हैं हमें सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। अरे नहीं मैम, मेरा नाम जो है जो जगब। हाँ बोलिए मिस्टर जो। आपने हमारे वेबसाइट पर प्रोफाइल डाला था, शादी करना चाहते हैं आप? लड़का देख रही हैं आप शादी के लिए? अरे ये हेलो मैडम, एक मिनट। हाँ जी बोलिए जो। मैं कह रहा हूँ, मैं जो हूँ मैं थाने आ रहा हूँ आपकी वेरिफिकेशन के लिए। एक मिनट, ये वेरिफिकेशन के लिए थाने आना क्यों जरूरी है? मैम कंपनी की पॉलिसी है। तो आप प्लीज उपलब्ध रहिएगा तो मैं आता हूँ थाने। मैम नाम जरूर याद रखिएगा, जो जैकब्स। तभी मैं सोचूं मैडम सर मुझे आपकी आवाज क्यों आ रही थी, मैं नहीं सुनना चाहती थी। हमने नहीं बनाया है प्रोफाइल, अम्मी ने जबरदस्ती बनाया है, ठीक है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, समझ गए? आपके पेट में बात रहेगी? सैलरी चाहिए तो रखिए पेट में बात। चाय 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 यहाँ रख दे, खुद ही रख दो, आज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। ना चाहिए फिर जा।
थैंक यू। हेलो, रॉन्ग नंबर। मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है। या मैं रिकॉर्ड कर दो, कार्रवाई आ जाएगी। मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है राइटिंग में। आप जैसे लोगों की वजह थे, आप जैसे लोगों की वजह थे ये दुनिया खत्म है व्यवहारी है। कैसे पूछ रही हो? कैसे हम बताने कैसे? रिपोर्ट काई पे लिखवाओगी? कागज पे। कागज काई को बनाया जावे? पेड़न को। पेड़ काटे जाएंगे, ऑक्सीजन कम होगी और सृष्टि को संतुलन बिगड़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा, भूकंप आएगा, भूचाल आएगा। बिना मौसम के ओले पड़ रहे हैं जयपुर में। अरे एक दिन भड़ाम है जाएगा। कछु समझ में आ रही है आपको बात? क्या सृष्टि के विनाश में अगर सबसे बड़ा हाथ कोई को होगा ना, तो वो महिला होंगी आप होंगी, बर्बाद करने वाली हम सबको। अब बताओ, लिखूं रिपोर्ट? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। शुरू है, जाओ। रुकिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी, एक काम करते हैं, सरकारी खर्चे पर आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा बेड तकिए और गद्दे के साथ लगवाते हैं, फिर आप आराम से अंगूर खाते हुए ड्यूटी पर लेटे रहिएगा, क्या ख्याल है? मैडम सर, वो हम तो बस वही, बस एक बात जो उधर जाइए, पर ना सोचिए कि लाकी गेट पर सब्जी बेचते हुए कैसे लगेंगे। भिंडी कद्दू लौकी बैंगन टिंडे, भिंडी कद्दू लौकी बैंगन टिंडे, जा भाई जा। नहीं यार, पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप FIR रजिस्टर लाइए और आप हमारे साथ आइए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे पति मोंटी इंजीनियर हैं। बहुत दिनों से वे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। नाच रहे थे, गा रहे थे, अचानक पॉटी कर दी। मोंटी ने? लवली ने, मेरे डॉगी ने। हाँ, अच्छा, पॉटी कर, फिर? फिर क्या, नाराज हो गए? खुद ही पॉटी करके खुद ही नाराज हो गया? मोंटी नाराज हो गए, मेरे हस्बैंड। अरे कितना कंफ्यूजन है। अम्मा क्या बकैती कर रही हो, मुद्दे पर आओ। मोंटी ने एक ऐप इन्वेंट किया है जिसका नाम है ऐप जरा। मोंटी का दावा है कि ये ऐप हर एक काम कर सकता है जो एक बीबी करती है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसी को भी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने में मिलेगा ऐप? मिलो। यहाँ तक कि किसी भी मर्द को अपनी बीबी के ना अत्याचार सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मा क्या बोले जा रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं मैडम, अब बीबी की जगह लेगा ये ऐप। मोंटी, मोंटी मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं और कह रहे कि वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। आप यहाँ बैठिए, बैठिए, बैठिए आराम से, बैठिए, बैठिए, बैठिए। संतु पानी, शांत हो जाए। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें ये क्या बकवास है, बीवी की जगह कौन ले सकता है? बीवी और शनि से तो साक्षात देवता भी पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। ये टुच्चा सा ऐप क्या चीज है? इनके हस्बैंड को फोन लगाइए, बुलाइए थाने, देखते हैं क्या चीज है इनके हस्बैंड। जी मैडम। लिसन, रिलैक्स, काम डाउन, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ है क्या बताने के लिए? नहीं, क्यों? जब से देख रही हूँ अपना पेट पकड़ के अड़ी तिरछी घूम रही हो तुम। ऐसा तो तभी होता है ना जब तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ होता है और तुम बता नहीं पाती हो। बताना बताना क्या है? हाँ,
देख तेरा पेट हल्का हो जाएगा, बता। कुछ नहीं पुष्पा जी, कुछ नहीं सुना मैंने, और कोई नहीं आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए। नोबडी। बस कौन है नंगा पुंगा सो? अरे मोंटी शर्मा, क्या है ये सब? कौन है ये? मैडम सर, यही मोंटी है, सोना का पति। बहुत बार फोन किए, माना ही नहीं, इसलिए उठा के लाना पड़ा यहाँ पे। ऐसे ये मैडम, ये क्या है, ये क्या तरीका है मैडम? ये किसी शरीफ आदमी को यहाँ थाने बुलाने का कैसा तरीका है? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है कि नहीं शहर में? नहीं मैडम, एक शरीफ आदमी शांति से अपने बाथरूम में नहा भी नहीं सकता है? ठीक से साबुन तक लगाने ही नहीं दिया हमको मैडम। धड़ाम से दरवाजा तोड़ा, भड़ाम से अंदर आए और हमें घसीट के यहां तक लेकर आए मैडम। मैडम टॉवेल तक नहीं पहनने दिया हमको। नहीं, ये इज्जत ढकने के लिए था मैडम, किसी का सूख रहा था, खींच के हमें पहनना पड़ा। नहीं मैडम, आप बताइए, ये कोई तरीका है ये शरीफ आदमी को ऐसे ऐसे घसीट कर इस पुलिस थाने में लेके आने का? कोई तरीका है ये? मैडम सर, आप हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं? आपके तरीके से प्यार से भी समझाए थे इसे, फोन किए थे, अब नहीं माना तो गले लगा ले तुमको। इसलिए अपने तरीके से उठा के लाना पड़ा यहाँ पे इसको। आपसे तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए मिस्टर मोंटी, आई एम सो सॉरी कि आपको इस तरह से यहाँ पर लाया गया। हम हसीना मलिक हैं, यहाँ की थाना इंचार्ज। हमें दरअसल आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए बुलाया। लेकिन आप कुछ पहन लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं मैडम, अभी ढकने के लिए बचा क्या है, पूरा शहर हमारा यह हाल देख चुका है। हाँ वो बात भी सही है। आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए कुर्सी, आप बैठिए, आप शांति से बैठिए। बैठिए बैठिए। संतोष शर्मा पानी इनके लिए। ये लीजिए। देखिए दरअसल आपकी एक बहुत कीमती चीज है जो हमारे पास है, वही लौटानी है। मेरी कौन सी चीज? आइए। यही है वो कीमती चीज, आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, आपकी जीवन साथी। इनसे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? और आप इन्हें छोड़ रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं? जी हाँ मैडम, मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूं, क्योंकि अब मुझे मेरी बीवी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐप जरा आ चुका है। हाँ हाँ भैया, ऐप जरा आ गई है तो अब लुगाई का जरूरत है। तुम बैठो चुप, नहीं तो दूसरा हाथ भी ऐसे लेके घूमोगे। नहीं। और तुम ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के गिरोगे और मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। अबे तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा बेफजूल बेतुका सा जो ऐप है ये बीवी की जगह ले लेगा भाई? हाँ ले सकता क्या मैडम, ऑलरेडी ले चुका है। क्योंकि आप लोगों की पूरी लाइफ ना ऐसे ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है, समझे आप लोग? भूख लगी है ऐप है ना, कहीं बाहर जाना है ऐप है ना,
गाड़ी घर साफ करना है, ऐप है ना? शादी करनी है, ऐप है ना? क्यों मैडम सर? आपने थोड़ी ना कोई प्रोफाइल डाली थी dulhan.com पर? आप थोड़ी ना अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हो शादी करने के लिए मैडम सर? आपके वेरिफिकेशन के लिए dulhan.com से यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए मैडम, बात को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। मैं एक बिजनेसमैन। अरे तौलिया संभाल ले तौलिया मैन। तो तौलियों पे मत जाओ यार। देखिए लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए मेरे इस प्रोडक्ट पे। अगर मैं ही अपने इस प्रोडक्ट को ऐसे प्रमोट नहीं करूंगा, अगर मैं ही अपने इस ऐप को अपनी बीवी से ऐसे रिप्लेस नहीं करूंगा ना, तो कैसे लोग मेरा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? वैसे मुझे सोना से कोई शिकायत नहीं है। She's genuinely a good girl. अम्मा क्या बकैती कर रहे हो? कुछ भी बकिए जा रहे हो। हवालात के अंदर डाल देंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगा तुम्हारे। मंजूर है मैडम, मंजूर है। वैसा ही करते हैं। मंजूर है मुझे। मैं रहता हूं आपके यहां पे इस लॉकअप में अपनी मर्जी से। मेरा चैलेंज है 24 घंटों में आप लोग कोई एक काम प्रूफ कर दो जो सिर्फ बीवियां कर सकती है, मेरा ये ऐप नहीं। तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी हार मान लूंगा और ढोल नगाड़े के साथ अपनी बीवी को बाइज्जत अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को पूरी मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग अपनी हार मानती है। चौबीस घंटे में अगर कोई ऐसी चीज प्रूफ कर दे कि जो काम बीवियां कर सकती है मेरा ये ऐप नहीं, तो मैं वादा करता हूं सरेआम सबके सामने अपनी बीवी से माफी मांग लूंगा और ढोल नगाड़े के साथ अपनी बीवी को अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को पूरी मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग अपनी हार मानती है, कि बीवियों की किसी को कोई जरूरत नहीं है, बीवियां इतिहास हो चुकी है। तो बोलिए है मंजूर? बोलिए बोलिए मैडम बोलिए है मंजूर? मंजूर है। मैडम सर, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जरूरत था ये उल्टा तीर लेने का। 24 घंटे की तलवार लगा दी आपने हमारे सर पर। अम्मा ये केस तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना? जरूरत थी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मोंटी का नहीं है, सवाल है सारी वाइव्स का। ये एक महिला पुलिस थाना है, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं कि एक ऐप बीवियों को रिप्लेस कर दे? वही तो हम कह रहे हैं मैडम सर, इस एक केस की वजह से आपने सभी बीवियों के रिप्लेसमेंट की तैयारी कर दी है, क्योंकि आपके जज्बात के एंगल से तो ये मोंटी की सोच का इलाज नहीं होने वाला है। करिश्मा सिंह, अब चैलेंज तो ले लिया है, इसलिए ये महिला पुलिस थाना इस केस को सॉल्व करके रहेगा, क्योंकि सवाल अब सारी बीवियों का है। एक ऊपर मैं सोऊंगा, आई हैव अ बैक पेन। पुष्पा जी किसको अंदर डाला है? मैंने आपको बोला था मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगा।
अब देखो बेड पे सोने की जिद कर रहा है, मैं नीचे नहीं सोऊंगा। इसको बताओ मैं यहाँ का सीनियर हूँ। अम्मा चुप करो यार बिल्लू। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, इनको ना बस मौका चाहिए ये दिखाने का कि तुम औरतें हमारे बिना कुछ नहीं हो। एक स्टूपिड सा ऐप क्या बना लिया, वाइफ को ही भूल गए। अरे कल को घर वालों को भूल जाएंगे, माँ बाप को भूल जाएंगे, बच्चों को भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। अम्मा तुम्हें ऐप बनाना था तो एंटी सास ऐप क्यों नहीं बनाया, कुछ काम तो आता हमारे। हेलो मैम, मैं जो हूँ। अम्मा तुम जो भी हो, एक बात बताओ हमको, तुम सारे मर्द इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो अपनी बीवियों को? नहीं मैं जो जो भी हो तो मर्द ना। नहीं नहीं हो? नहीं नहीं मैं मर्द हूँ, पर मैं जो हूँ। तुम जो भी हो, सबके सब एक जैसे ही हो, इमोशनलेस, अनफेथफुल, इनसेंसिटिव। अरे मैं जो हूँ। अबे तू जो भी है अंदर जगह नहीं मिलेगी, दिस इज माई प्लेस। शांति रख, ऊपर फिर भी मैं सोऊंगा। अबे तेरी तो मैं, अरे देखिए भाई साहब मुझे कुछ नहीं। एक बात बता रहे हैं हम तुमको, तुम जो हो वही रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, समझे ना बेटा। एक बार हम औरतों ने तुम मर्दों को पति परमेश्वर क्या बोल दिया, खुद को साक्षात परमेश्वर समझने लगे। अरे यार ये थाना है पागल खाना, कैसे लोग भाई से भर्ती कर रखे आपने। देखिए मेरा नाम जो है, जैसे आप करिश्मा हैं और आप पुष्पा हैं और आप क्या संतोष, और आप चीता चेतेश्वर। अरे मेरे चेतेश्वर प्रभु, मेरा नाम है जो जैकब। ये देखिए dulhan.com से आया हूँ, ये हसीना जी का वेरिफिकेशन करना था। अम्मा तो फिर ऐसे बोलो ना, कब से बस मैं जो हूँ बोले जा रहे हो, जो है सो है, बोलो। हम ही है हसीना मलिक। अरे हसीना जी, माइसेल्फ जो, बात हुई थी आपसे dulhan.com से। जी जी एक मिनट पुष्पा जी। जी मैडम सर, इस मोंटी के मसले के बारे में जरा सोचिए, फिलहाल ये मसला ज्यादा जरूरी है लेकिन हम ये मसला निपटा कर आते हैं। जी मैडम सर आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम देख लेंगे इस मोंटी को। चल संतू। ऐसे कैसे चलूं पुष्पा जी, अभी आपने मुझसे कहा ना ये सब चक्करों में नहीं पड़ना, मैडम सर ने पंगा लिया तो मैडम सर ही जाने। अब मजाक कुछ भी याद रखती हो तुम, भूल जाओ। आप इत्मीनान से जाइए इनके साथ, हम है ना, हम देखते हैं। आइए चलिए मैडम। कुछ भी भगती हो तुम, चल अमर चलो। अरे क्यों हारने की इतनी कोशिश कर रही है करिश्मा जी। अरे पुष्पा जी आइए आइए। तो बताइए मिली कोई ऐसी चीज जो सिर्फ बीविया कर सकती है और मेरा ऐप नहीं? मिली एक ऐसी चीज मिली है जो सिर्फ एक बीवी कर सकती है, तुम्हारा ये टुच्चा सा ऐप नहीं। वाह पुष्पा जी तेरी बैंड बज गई, चल चल निकल निकल। रुक, ऐसी क्या चीज है वो पुष्पा जी? ख्याल। एक बीवी जिस तरीके से अपने पति का ख्याल रख सकती है, एक ऐप कभी नहीं रख सकता। इसलिए अपनी हार चुपचाप मान लो बेटा और यहां से चलते बनो, अपनी बीवी को अपने साथ घर लेके जाओ। जाओ रिलैक्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हे अप्सरा। हेलो सर। सो टेल मी हाउ आर यू टुडे? I'm good, sir. How are you, sir? I'm good. So, Apsara, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरा ख्याल रखती हो? Of course, मैं आपका ख्याल रखती हूँ, sir. अच्छा? तो Apsara मुझे ये बताओ कि आज तुमने मेरा ख्याल रखने के लिए क्या किया? आज आपकी आवाज में सर्दी का आभास हुआ, इसलिए मैंने आपके लिए medicines order कर दी हैं। सुबह से चिकन रिलेटेड गाने गा रहे थे तो मुझे लगा शायद आज आपका चिकन खाने का मूड है, इसलिए आपके लिए चिकन ऑर्डर कर दिया है। आज आपको लॉकअप में रहना है तो आपके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट भी ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर पहुंच चुका है। थैंक यू अप्सरा। माय प्लेजर सर। चीते अभी तक ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। बाय। ओह वाओ,
मैं अपनी बीबी से इतना कुछ मांगता तो मुझे जिंदा दफन कर देती। ये मोंटी शर्मा कौन है? उसका ऑर्डर है ये। हाँ इधर इधर उधर रखी। हाँ रखो रखो अपना ही है। तो बताइए आंटी जी। आंटी आंटी जी पुष्पा जी को आंटी जी बोला। करिश्मा जी बंदूक दो बंदूक दो, इधर ही ठोक देता हूँ मैं इसको। दे दो दे दो दे दो ले। आ, आ, ने, 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 छोड़ो छोड़ो ले ले ना बंदूक ले। किधर गया तेरा भाईचारा अभी? अरे पुष्पा जी अपनी है ना। तो बताइए पुष्पा जी है कोई ऐसी बीवी जो मेरा इतना ख्याल रख सके? नहीं शायद होती भी होगी पता नहीं, पर क्या वो मेरे साहब की तरह बिना किसी कंप्लेंट के जजमेंट रूठना मनाना ताने झगड़े या फिर लाखों के शॉपिंग के बिना वो कर सकती है? अरे गुड़ मगज यही तो जिंदगी। ये शिकायतें रूठना मनाना उम्मीदें नाराजगी यही तो एहसास होता है रिश्तों का। अगर यही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है जिंदगी का? ये जो तुम्हारा ऐप है ना ये खाना ऑर्डर कर सकता है मगर अपने हाथों से नरम नरम रोटियां नहीं सेक सकता। तुम्हारा ये ऐप मकान साफ रखवा सकता है मगर उस मकान को घर नहीं बना सकता। हाँ तुम्हारा ये ऐप शादी जरूर करा सकता है मगर प्यार के दो मीठे बोल बोल सकता है। पुष्पा जी है, क्या कर रहे हो तुम? आप स्त्री नहीं हो है? महास्त्री हो। अरे भाई साहब मायसेल्फ जो आपके यहाँ पर डीलरशिप मिलेगा क्या? अरे एक्सक्यूज मी आप यहाँ हमारे प्रोफाइल के वेरिफिकेशन के लिए हैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे मैम बाढ़ में गई वेरिफिकेशन, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। भाई साहब प्लीज डीलरशिप दीजिए ना, आज से आपके आपकी डीलरशिप चालू। मिलेगी लेकिन कुछ घंटों के बाद। डन। क्या पुष्पा जी बड़ा आसान लग रहा था आपको ये मोंटी के चैलेंज का जवाब देना कि तो बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। क्या हुआ पुष्पा जी ऐसी क्यों शक्ल बनाई है? क्लियर तो करो, खुश हो या सैड? दोनों हैं संतु, दुखी इसलिए हैं अगर ऐसा ही रहा ना तो बहुत जल्द दुनिया में कितनी सारी बीवियां बदली कर दी जाएगी। और खुश क्यों? उनमें से एक ये भी तो होगी हमारी प्यारी बहू रानी। ये जो भोकाल मचा रखा है ना सारी हेकड़ी उतर जाएगी जब लल्ला इसे घर से बाहर निकाल देगा। हमको तो लगता है हमको तो बहुत मजा आने वाला है। कुछ भी कहो सारी बीवियों की आफत आ ही गई। कैसी होती है ना सास? मेरा मतलब है बहुत अच्छी होती है सास। मैडम आप परेशान हो क्या? अम्मा हम परेशान हैं मैडम सर के तरीकों से। ये बात बोले ना शैतान के कान में भजन गाने का क्या मतलब है भाई? पहले जज्बातों के समोसे तले जाएंगे फिर बातों के पकोड़े खिलाए जाएंगे फिर जाके किसी नतीजे पे आएंगे। दो घंटे मिल जाए हमें वो आरती उतारेंगे ससुरे की कि खुद ही कहेगा दरोगा जी देखे बहुत पर तुम सा नहीं देखा। धुमकता हुआ लेके जाएगा अपनी बीवी को बताए रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो बात है ना ये ऐप की बात ये टॉप सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए पुष्पा जी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए समझिए। का बात है मुस्कुरा कह रही है? नहीं सब समझ रहे हैं हम। समझे में नहीं आता है का करते रहते हैं। सब समझ गए हम। चीता चतुर्वेदी जी हमारे वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट जी बताइए ऐसी कोई चीज जो सिर्फ बीवी कर सकती है लेकिन ऐप नहीं कर सकता? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैडम जो सिर्फ बीवी कर सके ऐप ना कर सके। जैसे शक बीवी कर सके ऐप तो कर नहीं पाएगा। मेकअप बीवी सुबह मेकअप करके कछु और नजर आवे और रात को जब मेकअप धो करके आएगी तो कछु और दिखेगी।
सब्जी वाले के पास थे फ्री को धनियो, सिर्फ बीवी ही ला पाएगी, ऐप नहीं ला पाएगा। और ऐप को कहे एक उंगली तंबाकू ऐसा खाच 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 कर करके ऑपरेट कर लो, लेकिन बीवी अपनी एक उंगली पे जिंदगी भर अपने पति को ना चाहे। बेचारा हमारा लल्ला। अरे वाह मैडम सर, डिस्कशन चल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम सर शायद आप भूल गई कि हमारे बीच डील क्या हुई थी। डील ये थी कि इस थाने से निकलने वाली हर खबर पे पहला हक सनी चड्डा का होगा, पर आपने तो धोखा दे दिया। कौन टोपा बोला तुम्हें कि यहाँ पे कोई खबर है? यही टोपा है, खुद ही खुद को बोल रहा होगा। मैंने कहा था आप शायद अपना चैलेंज भूल गई है मैडम। मैंने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो आप मीडिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि मैं सही हूँ, और मेरा ये ऐप ज़ारा बीवियों से ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे बुलाया ताकि ये आपका और मेरा इंटरव्यू ले सके और आप अपने वादे को पूरा कर पाए। अरे जियो मेरे लाल, क्या खबर दी है यार, मजा आ गया। और मैंने तो हेडलाइन भी सोच ली है। क्या सोचा है चड्डे? ऐप बनी सौतन, बिन फेरे हम तेरे, है ना कमार? चल यार तुम्हारे इंटरव्यू से शुरू करता हूँ। हाँ ए मैं भी एक मिनट, स्माइल करना स्माइल करना। अभी 24 घंटे खत्म नहीं हुए, तुम ये इंटरव्यू नहीं ले सकते। कोई बात नहीं मैडम सर, वेट कर लेते हैं, उसमें क्या है। पर आपको एक बात बताऊं, माइंड मत करना प्लीज, अभी नहीं तो कुछ घंटे बाद ये खबर तो छपेगी, ऐसी मेरी पर्सनल गट फीलिंग है। जो मंजिल को पाने की ख्वाहिश रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं, ये खबर नहीं छपेगी। वाह क्या बात, कुछ भी बोलो, आप पे कॉन्फिडेंस बहुत जचता है। ठीक है मैडम सर, अभी तो चलता हूं लेकिन कुछ घंटे बाद मिलते हैं। कहा है को संतोष जी, सर में दर्द है रोए का। कैसे है सके सर में कछु है ही ना, तो दर्द कैसे है सके? क्या नहीं मतलब, हम कह रहे थे संतोष जी अगर सर में दर्द है तो अदरक गच गचा के चाय मंगवा लो एक मलाई मार के, 1/2 में तो हम भी एडजस्ट कर लेंगे। हर सर दर्द का इलाज गच गचा के अदरक वाली चाय नहीं होती आलसियों की ब्रांड एम्बेसडर। रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेंशन नाम की भी कोई चीज होती है। वहाँ सोना का घर टूट रहा है, यहाँ उसके पति को हराने का कोई आइडिया नहीं सूझ रहा। पर तुम्हें क्या है, तुम चिल करो, तुम टेंशन मत लो। तो हम क्यों लेंगे टेंशन? और ये छोटी सी बाली सी उम्र में आप भी मत लो टेंशन, अभी शादी करनी बाकी है, बच्चा करने बाकी है। नहीं मतलब हम कह रहे थे कि छोटी सी उम्र में टेंशन लेके अपने फोटो पे फूलन को हार थोड़ी चढ़वाना है। और वैसे भी यह सोना के चक्कर में अपनी हसीना मैडम तो हो रखी है इमोशनल, और करिश्मा मैडम हो रखी है पर्सनल, हम क्यों एक्स्ट्रा लोड लेंगे बताओ। अरे मैडम सर है ना, या फजी हत्ते बाहर निकलने को कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, आप भी टेंशन मत लो। अच्छा एक बात बताओ, चाय मंगवा लें अब तो, है ना? कुछ कीजिए मैडम सर, वरना बीवियां तो इतिहास बनकर रह जाएंगी। अरे हम तो कहते हैं इस ऐप को ही तोड़ डालते हैं मैडम सर। ये ऐप है, हड्डी नहीं जो आप तोड़ देंगे। हमें ऐप को नहीं उसके पीछे की सोच को तोड़ना है। वाह अरे हम तो कहते हैं इस मोंटी को ही तोड़ डालते हैं, 2 मिनट में केस रफा दफा। हमने कितनी बार कहा है कि हमें ये गुंडागर्दी के तरीके बिल्कुल नहीं पसंद। हम तरीकों में नहीं मैडम सर, हम नतीजे में विश्वास रखते हैं। इस तरीके से चलेंगे ना तो फरियाद ही खुद फरियाद बन के रह जाएगा। हमारे यहाँ तो जिसका लाठी उसकी भाई सब ताबड़तोड़ लिए गए फैसलों पर अक्सर पछताना पड़ता है। देर से मिला इंसाफ भी तो ना इंसाफी कहलाता है मैडम सर। हमारा मकसद जुर्म खत्म करना है, मुजरिम को नहीं। जुर्म खत्म, मुजरिम खत्म, वही हम कह रहे हैं, मुजरिम खत्म जुर्म खत्म। एक मिनट मैडम सर, पर दोनों बातें हैं तो एक ही ना। महिला पुलिस थाना है हमारा, यहाँ आने वाला हर केस जज्बातों से सुना जाएगा।
इसलिए आप अपने हाथ पैरों की जबान को तमीज के दायरे में रखेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन जज्बातों की बातें इंसान समझते हैं। ये मोंटिया जैसे अकल के बहरे और ये सनिया जैसे लुटेरे नहीं। इस तरीके से तो ना मैडम सर आप केस सॉल्व नहीं कर पाइएगा। करेंगे, हम साबित करके दिखाएंगे कि कोई केस कितना ही उलझा क्यों ना हो, हल होगा जज्बातों से। ट्राई करके देख लियो मैडम, आखिरकार तो आप हारेंगी ही। देखते देखते मैडम सर। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकती। देखो तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर तुम अपने पति को हराना चाहती हो, उनको गलत साबित करना चाहती हो तो तुम्हें करना ही होगा। और वैसे भी क्या करना है, अपने ही पति के सामने सिर्फ डांस परफॉर्मेंस ही तो करना है। लेकिन देखो बहुत बढ़िया, नवाब साहब के बुजुर्गों की आत्मा कितनी खुश होगी कि उनकी इस हवेली में मुजरे की परंपरा परवान चढ़ रही है। तजुर्बा कहता है हमारा कि सही काम करने के लिए कोई भी रास्ता गलत नहीं होता। अगर ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इनका घर बच रहा है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। संतोष शर्मा, यस मैडम सर। ध्यान रहे कि अंदर कोई भी नहीं आ पाए, चीता और वो रिपोर्टर सनी तो बिल्कुल नहीं। यस मैडम सर। और चीते चतुर्वेदी क्या हाल है? ये रखिए तुम्हारी चाय, पी लो। और कुछ चाहिए तो बता देना। चीते देखो मैडम सर ने, मैडम सर की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। चीते तू पागल है क्या, ऐसे चाय पीता है कोई? चाय पी रहा है कि खेत में ट्रैक्टर चला रहा है? सीख सनी से कुछ सीख, कैसे चाय पी रहा है वो, कितने सोबरली चाय पी रहा है, खुद को देख तू। मैडम सर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है ये कि जब तक वो ना कहे तब तक कोई भी मर्द अंदर नहीं आएगा। अरे पर हम तो आ सके। तू मर्द नहीं है। ए! फिर यहीं पर है। अरे सुनिए ना, वैसे अंदर चल क्या रहा है, क्या छुपाया जा रहा है हमसे? मुझे नहीं पता। देखिए खूबसूरत चेहरों पर झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बताइए ना क्या हो रहा है। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। पता तो आपको है पर आप बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, हमारा और काम ही क्या है। हाय, ये मासूमियत। और चाय के पैसे? अबे शकल देख के बात कर, मुझे देख के लगता है कि मैंने कभी भी किसी को भी कहीं पे भी पैसे दिए होंगे? नहीं ना, तो बस फिर ये बैठा है घायल आशिक, ले ले इसे। ओ चाय और गिलास के पैसे कौन तुम्हारी मौसी देगी? मैडम सर कैश नहीं दे रहे हैं। पागल है क्या भाई, ये तू अपना पकड़। मैडम सर ये क्या थाने की लाइट गई, ये कभी टाइम पे बिल नहीं भरते हैं। क्या करिश्मा मैडम एकदम कड़क डांस किया है। हो गया तुम लोगों का नौटंकी। डबल रोल, आज तो मैं पिया भी नहीं। हे भगवान, दो दो बहु, एक को नहीं संभाला जा रहा है मैडम सर, दो दो को कैसे संभाले हम? दो दो बहु रानी, लल्ला की तो छोड़ो, हमको तो लगता है ना हमारे पुलिस थाने के भी भाग फूट गए।
एक को संभला नहीं जा रहा था, अब दो दो। Yes, this is the future. VR, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। अगर आप लोगों की लैंग्वेज में कहूं तो वास्तविक परिकल्पना है भी और नहीं भी। ओके, लेट मी शो यू। अरे ये तो आत्मा जैसा है। ये का बवाल है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आ गई। 24 आवर्स अवेलेबल फॉर योर कंपनी। एक तरीके से कहे तो आपकी आइडियल वाइफ या गर्लफ्रेंड, इसे किसी भी पर्सनैलिटी के साथ इजीली मर्ज किया जा सकता है। एक तरीके से कहे तो अपनी ड्रीम गर्ल के साथ आप कहीं पे भी वेकेशन पे जा सकते हैं। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, अब तुम्हारा हम वो हालत करेंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा नहीं देखा। करिश्मा सिंह, आज तक हमारे हस्बैंड ने हमको उनके मनपसंद कपड़े पहनने का जिद नहीं किया और ससुरा तुम हमको नचवा दिए। क्या आज तक आपने आपके पति के मनपसंद कपड़े नहीं पहने? उनकी फीलिंग्स की, उनकी इमोशंस की, या फिर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते? आपने कभी उनकी कोई परवाह नहीं की। ब्रिलियंट मैम, ब्रिलियंट। तो आपके पति को मेरे इस ऐप की बहुत जरूरत है। हमको तो लगता है आज ये करिश्मा के हाथों मरेगा। कि आपके जैसे अकड़ू बीवियों के सताए हुए मर्दों के लिए तो मैंने अपना ये ऐप बनाया। मैडम सर, उसको रोकिए वरना वो जान ले लेगी उसकी। करिश्मा सिंह, मैडम सर, बात जब तक आपके जज्बात की थी हम उसे ऑर्डर समझ के निभाते रहे, पर आज बात हमारे ऊपर आ चुकी है। आज हम इसका वो हालत करेंगे ना कि ऐप से तो क्या तुम मोबाइल से भी दूर भागोगे। तुम्हारी करिश्मा, अब किस बात का इंतजार है मैडम? आप भी यही, मैं भी यही, और मीडिया भी यही है। आप हार चुकी है तो आप पूरे मीडिया के सामने इस बात को कबूल कर लीजिए कि मैं जीत चुका हूं और मेरा ये ऐप बीवियों से ज्यादा एफिशिएंट है। करोड़ों की पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। तजुर्बा कहता है हमारा, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अंत तक हार नहीं मानते। और अभी हमारी आजमाइश तो बाकी है। 24 घंटे पूरे नहीं हुए। नो प्रॉब्लम मैडम, आज की पूरी रात है आपके पास, क्योंकि कल दोपहर होते ही पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मैं अपने ऐप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला हूं। गुड लक।
क्या हुआ? इतनी क्यों परेशान हो रही हो तुम? अरे ये मोंटी का टुच्चा है, बीवी बदली कर सकता है, तुम्हारी जैसी बहू नहीं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, एक ही हो तुम, वो कहते ना वन पीस। देखो हम डरा नहीं रहे तुमको, मगर एक बात कहते हैं, कभी कभी ना अपने पति की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं होती, बल्कि अपना ही फायदा होता है। तुम्हारे ससुर जी स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह, उनको ना हमको लाल साड़ी और लाल लिपस्टिक में देखना बहुत पसंद था, और हम भी उनके लिए एकदम वैसे ही तैयार होते थे। बस फिर क्या, हमारे लिए अपनी मैया से भी लड़ पड़ते थे। तो आपका मतलब है कि आपकी छुट्टी करने के लिए हमें आपके लल्ला का दिया वो मिनी स्कर्ट पहनना पड़ेगा? अब लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं। कछु खावे की इच्छा है रही है? खाएंगे कछु? नहीं थैंक यू। सोना जी देखिए बहुत रात हो चुकी है, आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए। अब मेरे नसीब में आराम कहाँ है मैडम, सोच रही हूँ भगवान के घर चली जाओ। क्या आप ये क्या बोल रही है, इतनी सी बात के लिए आप आत्महत्या तक पहुँच गई? मंदिर जाने की बात कर रही हूँ, जाओ। प्लीज थैंक यू, टेक केयर। तो मैडम सर क्या करना है, मुर्गी अंडा देने वाली है, ऑमलेट बनाना है या भुर्जी? भुर्जी भुर्जी। चलिए भुर्जी मैं खवाऊंगा आपको, जूस भी पिलाऊंगा, ठीक है? मैडम सर ये जो है वो खबर की बात कर रहा है कि खबर छापे कि नहीं छापे। एक बात बताओ सानी, तुम सिर्फ एक खबर के लिए हमारी डील को खराब कर दोगे? वो क्या है ना मैडम सर, खबर खबर पे डिपेंड करता है, और ये खबर ब्रेकिंग न्यूज है, और मुझे पर्सनली लग नहीं रहा कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत घटिया इंसान है तुम, बहुत ही ज्यादा। पर अब क्या करें, मार्केट में हम ही चल रहे हैं, ऑडियंस को हम ही पसंद आ रहे हैं, और वैसे भी घटिया से ज्यादा ईमानदार लोग बचे ही कहां हैं, कुछ ही तो रह गए, और उन्हीं में से एक हम हैं, भरोसे लायक। बाकी आपकी मर्जी। एक मिनट सनी, पुष्पा जी आप यहाँ हैं, बदनाम एक चाय देना। क्या हुआ? पुष्पा जी आपको एक बात बतानी थी। अम्मा देखो वैसे भी अभी हमारा सर घुमा हुआ है, और परेशान मत करो हमको, जाओ यहाँ से। अच्छा मतलब जो आप बोलते हो लखनऊ महिला पुलिस सदैव सेवा में तत्पर, वो सब झूठ है, फरेब है। बदनाम भाई ये देखो लखनऊ पुलिस। ठीक है बताओ तुम। फिर शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ मेरे दादाजी बहुत बड़े शिकारी थे, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, बहुत बहुत बड़े, इतने बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ आगे भी तो बढ़ो। चिड़िया और कबूतर नहीं मारा करते थे, शेर बाघ चीता ये सब मारा करते थे। एक बार ऐसे निकल गए रात को शिकार पे, अंधेरी रात घना जंगल हाथ में बंदूक, घने जंगल में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाँ हाँ आगे बोलो। फिर आया एक मोड़। मोड़? हाँ खतरनाक मोड़। फिर क्या मुड़ गए? फिर मुड़ते एक शेर। फिर क्या, शेर घुरे दद्दा को, दद्दा घुरे शेर को, फिर दद्दा घुरे शेर को, शेर घुरे दद्दा को। आगे 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 क्या हुआ? कुछ देर ऐसे घुरम घारी चलती रही, फिर एकदम आंखें लाल हो गई। शेर की? नहीं दद्दा की। फिर क्या, दोनों पंजों की बल नीचे। दद्दा? नहीं शेर। फिर पूंछ खड़ी हो गई। दद्दा की? नहीं शेर की। और नींद लंबी छलांग। दद्दा ने? शेर ने। फिर क्या, सीधा जबड़े में। दद्दा के जबड़े में? नहीं शेर के जबड़े में दद्दा। फिर क्या, रबड़ का शेर थोड़ी था, फाड़ खा गया दद्दा को। तो तुमको रिपोर्ट लिखवानी है जंगल की, दद्दा की या शेर की? अरे नहीं 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 रिपोर्ट वोट नहीं, मैंने उधर से देखा आप चाय पी रही थी, मैं भी खाली था, सोचा थोड़ा टाइम पास कर लूं।
अम्मा चलता हूँ खुदा खुदा दोबारा उनको परेशान किए ना तो फाड़ के खा जाएंगे तुमको शेर की तरह। गुड मॉर्निंग। उठा ना। उठ तो गया। पैर उठा। ओ सॉरी। गुड मॉर्निंग। ओए फिर मेरी। गुड मॉर्निंग मैडम। सूझा कोई तरीका मेरे ऐप को हराने का? नहीं ना। शक्लों पे लिखी आप लोगों की कि जीत मेरे ऐप की हुई है। हार चुकी है आपकी हसीना मैडम। बुलाइए उनको। चलिए। और न्यूज़ को भी बुलाइए, न्यूज़ चैनल वालों को भी। शर्त के मुताबिक उन्हें अपनी हार माननी है और मेरे एप्लीकेशन का प्रमोशन भी करना है। जरा वो ऐप को बोलो ना दो चाय ऑर्डर करी है। वो सनी चड्डा के बारे में मुझे सोचने दे। क्या कल तो ऐसा बोल के गया था ना कि मेरे ऐप का ना अपना प्रमोशन करेगा अपनी न्यूज चैनल में। देखने दे मुझे। अरे वो चड्डा सिर्फ बोलता है करता कुछ नहीं। अरे देखने दे ना ऐप जरा। प्लीज शो मी टुडेज हेडलाइन न्यूज। श्योर सर, हियर इज योर हेडलाइन न्यूज। कुदरत का कहर या फिर इंसानी गलती, जी हाँ जो भी आप कहें, लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं धा 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 करके जलती एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का जर्रा जर्रा आग की लपटों में घिर चुका है, सब कुछ राख हो चुका है, लेकिन किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची है। ये तो मेरी बिल्डिंग है। ये मेरी बिल्डिंग। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ी लैब थी और उस लैब के मालिक थे मोंटी शर्मा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मोंटी शर्मा की ये लैब थी, जो खुद भी एक इंजीनियर है, लेकिन अब ये लैब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जल चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है और बर्बाद भी हो चुकी है। आग 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 आग, आग, आग। ये फोन क्यों नहीं लग रहा यार? मुझे क्या पता। अरे रुक। आग 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 पुष्पा जी आग। चुप रे। मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे ये चाबी से खुलता है, ऐसे नहीं खुलेगा। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे जाना प्लीज। शांति शांति। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैडम प्लीज प्लीज खोलिए इसे प्लीज। हम ऐसे कैसे आपको जाने दें, अभी आपकी शर्त खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं। अरे बाढ़ में गई शर्त। मैडम मैडम बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैडम मुझे बाहर जाने दीजिए। लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए मेरे इस प्रोजेक्ट पर, मुझे नहीं पता कि मैं उनका ये पैसा कैसे भर पाऊंगा, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। मैडम मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आई एम फिनिश्ड मैडम, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए मैडम। देखिए मिस्टर मोंटी, बिल्डिंग में आग लग के 4 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, राख हो चुका होगा, अब जाने का क्या फायदा। इनफैक्ट अब आप ये सोचिए कि अब क्या कर सकते हैं। हाँ मैडम, अब क्या हो सकता है, प्लीज टेल मी। हम कैसे बता सकते हैं आप? आप ऐप जरा से पूछिए, उसके पास कोई सलूशन जरूर होगा। मैं ऐप जरा से पूछ लेता हूँ। हाँ ऐप जरा, तुम्हें मालूम है ना क्या हुआ है? कम ऑन टेल मी। यस सर, मुझे मालूम है। अरे ठीक से बात करो, ऐसे टाइम पे कोई ऐसे बात करता है? यस सर, मैं जानती हूँ कि आपकी लैब में आग लगी है और पूरी लैब बर्बाद हो चुकी है, अब आप ये ऐप कभी लॉन्च नहीं कर सकते। अरे खुशखबरी नहीं है ये, बुरी खबर तो सलीके से दे मनुष्य। चल बता अब इस पोजीशन में मुझे क्या करना चाहिए। आपको इन्वेस्टर्स के 10 करोड़ लौटाने हैं सर, आपके बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और बाकी इन्वेस्टमेंट्स के आउटपुट के हिसाब से आपके पास इस रकम का 2% भी नहीं है। आपके मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड पर कहीं से भी आपको 2.5 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं मिल सकता, यानी आप कुछ भी कर लें आप इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं लौटा सकते। सोल्यूशन दे मुझे इसका सोल्यूशन। अब आपके पास 2 ही सोल्यूशन है सर, पहला जिंदगी भर के लिए जेल चले जाए। और दूसरा सुसाइड कर लीजिए, मरे हुए लोगों पर दुनिया का कानून लागू नहीं होता।
बर्बाद हो गया मैडम, मर जाऊंगा। I'm finished, madam. I'm finished. मैं बर्बाद हो गया मैडम, मैं बर्बाद हो चुका हूं। सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो चुका हूं। तुम कब से हार मानने लगे मोंटी? मैंने तो तुम्हें हर परेशानी से जूझ कर उसे हराते हुए देखा है। और रही बात नुकसान की, तो घर और ज्वेलरी बेचकर हम कुछ पैसे लौटा देंगे, और पापा की भी जमीन है ना, हम उसे बेच देंगे, हमें वक्त मिलेगा। तुम कोशिश करते रहो, एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हूं और रहूंगी। बिकॉज आई लव यू मोंटी। सॉरी सोना, आई एम सॉरी। देखा मिस्टर मोंटी, ये एक चीज है जो सिर्फ बीवी कर सकती है और कोई ऐप नहीं। प्यार, भरोसा, कमिटमेंट, सिर्फ एक बीवी ही है जो हर हालत में आपके साथ खड़ी रहती है। सही गलत, अच्छे दिन बुरे दिन, इन हेल्थ इन सिकनेस, हर हालत में आपके पास पत्थर की तरह खड़ी रहती है। खुद पूरा दिन भूखी प्यासी बैठी रहेंगी ताकि आपकी लंबी उम्र का व्रत रख सके। एक बीवी है जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आपको रोता हुआ देखकर। एक बीवी है जो आपके बच्चों की मां कहलाने का हक रखती है, कोई ऐप जरा नहीं। मैं समझ गया मैडम, मैं बिल्कुल समझ गया। मेरा ऐप रिश्ता तो बना सकता है, ये रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। चलो सर, नए तरीके से शुरुआत करते हैं। सब कुछ नए तरीके से प्लान करना पड़ेगा। मिस्टर मोंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी आंखें खोलनी थी, आपको आपकी बीवी की अहमियत का एहसास दिलाना था, इसलिए हमने खत्म कर दिया अब ये नाटक। एक मिनट, ये नाटक क्या? हाँ नाटक, तुम्हारा कोई लैब वैब नहीं चला है। ये तुम्हारे संतू का कमाल था जो उसने कंट्रोल रूम में बैठ कर ये ग्राफिक्स के जरिए कर दिया। और ये सनी भाई साहब, इनकी मेहरबानी की इन्होंने हमारा साथ दिया। डील, ये सब कुछ मैडम सर के कहने पे हुआ है। ये है जो जज्बात का बात करती है हमेशा, नहीं तो हमें परमिशन मिला होता ना तो बहुत जल्दी सुलटा देते। यस मिस्टर मोंटी, आपकी ये ऐप, आपका फोन, आपका नेटवर्क, सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। थोड़ी देर पहले आपने जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी देखा वो हमने ही किया था। अब क्या है ना, आपने हमें टेक्नोलॉजी का नमूना दिखाया तो हमने भी सोचा एक छोटा सा नमूना हम भी दिखा देते हैं। थैंक यू मैडम, मुझ जैसे इंसान की आंखें खोलने के लिए शायद ये बहुत सही तरीका था। और रही बात मेरे ये ऐप की, ऐप जरा की तो दिस प्रोजेक्ट इज ओवर कंप्लीटली फॉरएवर। थैंक यू सो मच मैम, मेरा घर बचाने के लिए। ऑल द बेस्ट। चले सोना।
ए बिल्लू चल बाहर आ, इधर आ। क्या हुआ? कल बहुत मजा किया ना डांस करके। हाँ चम्मा चम्मा। निकलो, अभी हो गया तुम्हारा सजा खत्म, चलो निकलो। नहीं नहीं ऐसे कैसे सजा खत्म, नहीं मुझे अंदर ही रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। और वैसे भी मेरा कोई ऐप लॉन्च नहीं हो रहा है और मेरा लंच भी नहीं हुआ है। एक घंटा आप मारेंगे ना टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, निकलो यहाँ से। मैं वापस आऊं, मैं वापस आऊं। बिल्लू कभी नहीं सुधरेगा। वैसे तो हम भी अपनी लाइफ में पहली बार डरे हैं, हमें तो ऐसा लगा था हमारा वाइफ का पोस्ट तो गया। वो तो धन्यवाद हमारी सासू माँ का जिन्होंने हमें हौसला दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती हो गई, समझी ना आप। वापस घर जाकर वही होना है, आपको जानबूझकर दाल जलानी है ताकि हमारा लल्ला आपको बाहर खाने पे लेके जाए और हम सुबह की बनी हुई बासी खिचड़ी घर में खाए, है ना? ना मतलब क्या है आपका कि हम जानबूझकर दाल जलाते हैं? ये जो सफेद बाल दिख रहे हैं ना आपको, वैसे धूप में नहीं सफेद हुए हैं? सफेद रहने का दिए आपने अपने बाल? काला डाई मार मार के पूरा बुढ़ापा छुपा दिए अपना। हाँ तो जो भी हो ना, हमने भी हमारी जवानी में ऐसी बहुत सी दालें जलाई हैं अपने ससुराल में। देखिए हमसे तरीके से बात कीजिए आप यहाँ पे। आप भी हमसे तरीके से बात कीजिए, समझी ना, सबके सामने हमारे सफेद बालों के बारे में बात कर रही हैं आप। ये मत भूलिएगा आप यहाँ पे सीनियर है मगर घर पर हम आपके सीनियर हैं। हाँ घर का बात घर में ही रहने दीजिए। बस 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 सनी थैंक यू, एहसान रहा तुम्हारा, जब भी मौका मिलेगा चुका देंगे। बहुत जल्दी मौका मिलेगा क्योंकि अब ये लेन देन तो लंबा चलने वाला है। करिश्मा सिंह जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, हमारे काम करने के तरीके की वजह से आज आपके पर्सनल इमोशंस को चोट पहुंची, लेकिन आप मोंटी को घूसा मार के अपना गुस्सा तो निकाल लेती लेकिन उसकी सोच नहीं बदल पाती, और वो करना बहुत जरूरी था। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी मैडम सर। मैडम सर आपने एक बार फिर प्रूफ कर दिया यू आर अ जीनियस, ये तो बनता है। ये आप सबकी मदद के बिना इम्पॉसिबल था, सो आप लोगों के लिए भी कोई तो दया करो, कोई तो रहम करो, भगवान के लिए मुझे मेरी बीवी से बचाओ। बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं सहूंगा अपमान, बंद करो टॉक टॉक वीडियो नहीं तो दे दूंगा जान। एक्सक्यूज मी, ये बदनाम भाई ये क्या हो रहा है? अरे नमूना कौन है? अरे सलमान खान है वो। क्यों रे इतनी भीड़ क्यों लगी? अरे सलमान खान रहेगा तो भीड़ तो रहेगी ना। अरे चुप भी, कुछ भी बोलता है तू, लेकिन इसको पिंजरे में किसने बंद किया है? कट्टा है क्या? जाके देखो आज मालो। पर भीड़ तो काफी जमा हुई है। आमिर भाई। हाँ भाई इधर आना। मैं क्या बोलता हूँ, भीड़ काफी जमा हुई है। हाँ। यही मौका है सेल को दुगना करने का। बोलो तो मेरे पास एक ठासू आइडिया है, सब तुम दोनों एकदम माला माल हो जाओगे। ऐसे कैसे? ब्रो तुम सिर्फ आवाज दो। अरे तुम्हारे बिरयानी का चावल का एक एक दाना नहीं बिकवा दिया तो मेरा नाम बिल्लू नहीं और इसकी चाय की बिक्री डबल। सच बोलो का? शक, चोर की जुबान पे शक। अरे यकीन नहीं आता तो पुलिस रिकॉर्ड चेक कर। करवा दो डबल। अब करवा दो डबल, मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब तक जो भी उधारी है बिरयानी और चाय की वो सब खत्म, और अगले एक महीने तक चाय और बिरयानी मुझे फ्री चाहिए, बस बस इतना ही। मंजूर 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 मंजूर। चलो डन, ओके हट हट जाओ। भाई और बहनों सुनो सुनो सुनो, माफ़र लूट लूट लूट, भाई ऑफर पे ध्यान दो,
बात मत कर। अरे फ्री में, फ्री में बिरयानी यानी बिकवा रहा तू। अरे तू सेल बढ़ा रहा हूँ ना। अरे सेल क्या बढ़ा रहा है, फ्री में बिकवा रहा तू और इसको पैसा मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अबे आपकी बिरयानी खाएंगे तो तारीफ किसकी होगी? मेरी। और तारीफ होगी तो सेल किसका बढ़ेगा? मेरी। और सेल बढ़ेगा तो मालामाल कौन होगा? मैं। और मेरा ऑफर नहीं मानेगा तो अकल का अंधा कौन? मैं। तो करूँ कि ना करूँ? नहीं नहीं तू शुरू कर। दरोगा जी देखे बहुत, तुमसा ना देखा, समझिए। चलो मास्क हटाओ। मैं ये मास्क नहीं हटाऊंगा मैडम, और मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तुम्हारी मैया की गंगा मैया, ये मरना है ना तो कहीं और जाके मरो। हमारे थाने के बाहर क्यों भूख हड़ताल कर रहे हो? हाँ? और ये सलमान खान का मुखौटा पहन के खुद को चुलबुल पांडे समझ रहे हो क्या भाई? मैडम सर आ गई। जय मैडम सर। जय मैडम सर। जय। वो इनके साथ बाइक पे आते हैं ना तो यही हालत होती है हमारे, क्या बताया आपको? क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन है ये? मैडम मेरा नाम चुलबुली पांडे है। वो अरे पगलेट है मैडम सर, ऐसा भी कोई नाम होता है चुलबुली पांडे? देखिए है, मेरा नाम है, मैंने नहीं रखा है मेरा नाम, ये जालिम दुनिया वालों ने मेरा ये नाम रखा है मैडम, मेरी खुद अपनी बीवी ने मेरा नाम रखा है मैडम, सीधा कमलेश पांडे से चुलबुली पांडे बना दिया मैडम। अब आप इंसाफ कीजिए वरना मैं यही भूख हड़ताल से मर जाऊंगा। आप प्लीज पहले ये मास्क हटाइए और फिर बात करिए। ये मास्क नहीं हटेगा मैडम। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? अब एक मिनट मैडम सर, आप ये देखिए, ये देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। हेलो, कोई खेले लूडो कोई खेले रमी, सुपर टॉप टॉप बनाए सिर्फ मम्मी। फ्रेंड्स की भारी डिमांड पर पेश है एक बार चुलबुली पांडे का वर्ल्ड फेमस रिएक्शन। जानू मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैं आई 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 अच्छा। पचपन लाख व्यूज, वो भी इतनी सी देर में। एक काम करिए, पहले इन्हें इस पूरे तामझाम को अंदर शिफ्ट करिए। मैडम फ्री फ्री फ्री, एक चाय के साथ एक बिरयानी फ्री। ए बिल्लू चुप करो। तो अंदर आ जाऊं क्या बिल्लू निवास में? अगर मार खानी है तो अंदर आ जाओ। चलिए अब आप समझी मैडम मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐप क्वीन, टॉक टॉक सुपरस्टार, खुद मेरी अपनी बीवी पम्मी अपने पति के ऐसे वीडियोस बनाकर दुनिया भर में मेरा मजाक बना रही है। क्या बकैती कर रहे हो तुम? मैडम सर क्या बात है, ये इतना सा बात के लिए देखो ये बतंगड़ बनाए बैठे। आपके लिए ये इतनी सी बात होगी मैडम, लेकिन मेरे लिए नहीं, घर परिवार वाला इज्जतदार आदमी हूं मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मैं भी रखता हूँ। मेरी बीवी के इस टॉक टॉक वीडियो की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया मेरा मैडम, जहां जाता हूं लोग घेर लेते हैं, मजाक बनाते हैं, जगह जगह चूटी काट कर निकल जाते हैं मैडम, चुलबुली पांडे बुलाने लगे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियां उड़ रही है मैडम, इसीलिए बहुत मजबूर होकर मैंने ये कदम उठाया है। मुझे मेरा सम्मान और मेरी पहचान दोनों वापस चाहिए मैडम, वरना मैं इसी पिंजरे में तड़प तड़प कर भूख से मर जाऊंगा।
और मेरी मौत होगी आपके कानून के सर। तुम का बकवास कर रहे हो, ऐसी बचकानी बातों पे कोई केस बनता है क्या? अब पुलिस क्या ये नॉनसेंस केस सॉल्व करेगी? टॉक टॉक अम्मा बच्चा बच्चा बना रहा है ये। यही तो प्रॉब्लम है करिश्मा सिंह कि बच्चों तक को इसकी लत लग चुकी है, थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा रहे, किसी का भी मजाक उड़ा रहे। पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर न जाने कौन सी अंधी दौड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं सब। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक चुलबुली पांडे का नहीं है करिश्मा सिंह, पूरी जनरेशन का है। न जाने कितने बच्चे, कितने घर, कितने रिश्ते सब इस सोशल मीडिया के चक्कर में खत्म होते जा रहे हैं। मिस्टर कमलेश पांडे, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। थैंक यू मैडम। इनकी वाइफ को बुलाइए थाने, क्या नाम है उनका? पम्मी, पम्मी पांडे। हेलो फ्रेंड्स, कोई खेले लूडो, कोई खेले रमी, सुपर टॉक टॉक बनाए सिर्फ पम्मी। पम्मी? हेलो फ्रेंड्स, खाना खाया आपने? जैसा कि आप देख रहे हैं मैं महिला पुलिस स्टेशन आई हूँ आपके लिए सुपर सरप्राइज देने। जानू, जब हमारी आंखें खराब हो जाती है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। पुष्पा जी, कितना गंदा वीडियो शूट किया है ये। सच्ची ये देखो ना, आधे से ज्यादा वीडियो ब्लर है और वो चूटी के बाद वाला रिएक्शन ही कैप्चर नहीं किया, बहुत गंदा है। एक्सक्यूज मी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आपकी वाइफ को बिल्कुल आइडिया नहीं है वीडियो कैसे शूट करते हैं। यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी बीवी मेरे ऐसे वीडियोस बनाकर दुनिया भर में मेरा तमाशा बना रही है? इस बात से एक बात तो तय है कि आपकी माँ आपके साथ नहीं रहती। ये आपको किसने बताया? जाहिर है, सास अगर घर में होती तो मजाल है किसी की ऐसी हरकतें करने की। ऐसी नकेल डाल के रखती ना कि सांस लेने से पहले भी सास की इजाजत लेती। हम ना एक पते की बात बताते हैं आपको, ये सास और बहू का रिश्ता ना होता ही ऐसा है, सांप और सपेरे जैसा। वो अगर सांप है ना तो हम है सपेरी, काबू में तो हम ही रख सकती हैं उनको। हाँ तो बहू सांप होती है? बिल्कुल होती है, हमको तो लगता है वो सांप क्या नेवला बिच्छू मगरमच्छ भी होती है। हमारा बस चले ना तो हम तो हम कह रहे थे हमारा ना बस चले तो हम तो मुंडी मरोड़ के रख दे ऐसा कहने वालों की बहू तो घर की बेटी होती है, कुलक्षणी कुल देवी होती है, घर का भाग्य होती है, शुभाशीष होती है, देवी होती है, घर का उजाला होती है, ममता की दुशाला होती है, जग 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 जननी होती है। हम मानते हैं होती है, होती मैया कसम होती है। तीन चार एक साथ निकाल, हटाओ आज को, चलो हटाओ, आ जाओ आप, आ जाओ, आ जाओ मोहम्मद में, आप भी आ जाओ बुलाइए, आपकी थाना इंचार्ज को बुलाइए, बोलिए मैडम आई है। कौन मैडम, कौन है ये, कौन है ये, कौन है, कौन है ये? हाँ कौन है? आपने इन्हें नहीं पहचाना? अम्मा हमें तो किसी एंगल से दीपिका पादुकोण नहीं लग रही है ये। क्या आपने इन्हें वाकई नहीं पहचाना? अरे नहीं पहचाना, अम्मा सुनाई नहीं दिया, कौन है ये? मैडम या तो आप
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार है या तो आप इस धरती के प्राणी नहीं, वरना कौन है भाई इस धरती पे ऐसा जो टॉक टॉक सुपरस्टार पम्मी पांडे को नहीं जानता हो। ओ मैडम देखिए ना, क्यों अपने पति के पीछे पड़ी हैं, क्यों ऐसा कर रही है? जो कुछ भी आपस में कलेश है आमने सामने बैठ के निपटा लीजिए ना। मैडम इन सब के लिए मैडम के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना? थोड़ी देर में मैडम को लाइव जाना है, जिसको जो भी बात करनी है ना वो डायरेक्ट हमसे करे। तू कौन है बे? अरे हम इनका पीआरओ कम सेक्रेटरी कम एडवाइजर कम अकाउंटेंट कम। कम विद मी मैडम सरेंदर। मैडम चलिए। अरे हटिए भाई हटिए, मैम है। जाइए। चलिए मैम। आपकी मैडम को ऊपर जाने की बहुत जल्दी है, यहाँ यहाँ अंदर चलिए। आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी या कुछ? चाय मंगा दीजिए मैडम, कम शक्कर वाली, क्या है ना डायबिटीज है। मैडम को? अरे नहीं हमको, मैडम तो जूस लेंगी। चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। बिल्कुल सही टाइम पर आए आप, आपका काम हो गया? जी मैडम सर। तो फिर इनके लिए जूस ले आइए। हम जाके भी ला सकते हैं। देखिए आप जानती हैं कि हमने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। आपके पति आपकी इन हरकतों से कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि आप ये वीडियोस उनके साथ बनाना बंद कर दें। बंद कर दें? क्या बात कर रहे हैं मैडम आप? मतलब अपने लाखों करोड़ों फैंस का दिल तोड़ कर रख दे, बस उनको झंझोड़ कर रख दे बस मतलब है? अरे आपको मालूम है आपके सामने कौन बैठी है? अरे टॉक टॉक सुपरस्टार पम्मी पांडे। अरे इनके फैंस जो है ना पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं मालूम है। अरे दिल्ली में तो इनके नाम का फैन क्लब खोला जा रहा है। अरे चुलबुल जी के साथ के इनके जो वीडियोस है ना, इनके फैंस लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं बड़े दिल से, और आप कह रहे हैं बंद कर दे। हमको एक बात समझ में नहीं आती, जब ये देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो ये वीडियोस बना बना के ये अपलोड कैसे करती है? अरे मैडम आपको किसने कहा कि ये देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती है? जाहिर सी बात है ना भैया, अगर ये देख सकती तो अपने पति को नहीं देख लेती जो मंदिर का घंटा बने हुए है, जिसका जी करता है बजा के जाता है। और अगर बोल सकती तो तुम्हारे जैसे भाड़ू के टट्टू को रखती क्या? हा? और अगर सुन सकती तो तुम्हारे जैसे चापलूसी की चापलूसी नहीं सुन लेती? बहुरानी किसकी है? मैडम हमको ऐसा पर्सनली क्यों ऐसा लग रहा है कि आप हमारा इंसल्ट कर रही हो? हमें इनको अभी भी लग रहा है, डायरेक्ट महसूस नहीं हो रहा है। हमारा मतलब ये है कि सेलिब्रिटी है ना, डायरेक्ट बात नहीं कर सकती है ना। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सेलिब्रिटी हैं ये। एक काम करते हैं, हम इनके पति की FIR दर्ज कर लेते हैं और इन पर मानहानि का मुकदमा लगा देते हैं। फिर जब कोर्ट में पेशी होगी तब आप जज से कहिएगा कि ये तो सेलिब्रिटी है, ऐसे कैसे बात कर सकती। अरे मैडम हमारा बोलने का मतलब वो नहीं है, क्या है ना मैडम डायरेक्ट बात नहीं करती है ना, ऐप पे ही बात करती है। तो आप जो है ना मैडम को ऐप के ऊपर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, फिर देखिए कितने धड़ल्ले से बात करती है, हर एक सवाल का जवाब देगी बस। हाँ वही तो, दो चार प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो हमारे सर पर चढ़कर बैठ रहे हो। हाँ अब तुमको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा बात करने के लिए, पुलिस के इतने बुरे दिन आ गए हैं, सब मारेंगे ना कि जोड़ तोड़ सब हिल जाए तुम्हारे। अब हमको ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि आप हमारा डायरेक्ट इंसल्ट कर रही हो मैडम। करिश्मा सिंह अरे वाह, इन्होंने तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। हमने कहा था ना मैडम। चलिए अब इनसे ऐप पर ही बात की जाए। अरे वाह। हाउ आर यू? हाय आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड, बात कर सकते हैं? अरे जरूर बोलिए ना। हमारे ख्याल से आपको अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। मैडम सर dhulan.com से नोटिफिकेशन आया है। दिख रहा है हमें, और जिस भी तरह का टॉक टॉक आप उनके साथ बनाती हैं उसे बनाना फौरन बंद कर देना चाहिए।
सॉरी नॉट पॉसिबल। सॉरी नॉट पॉसिबल। यही तो मेरे ऐप का मेन अट्रैक्शन है, इसे कैसे बंद कर सकती हूँ? पर वो आपके हस्बैंड हैं। बकवास। आपके पति? जूस जो आपने मेरे लिए मंगवाया है। ओह आई एम सॉरी, दूसरा चलेगा? मैं भी यही सोच रही हूँ, है कोई आपकी नजर में? कई हैं। बाहर निकलकर लेफ्ट साइड में एक जूस वाला है। मेरी शादी किसी जूस वाले से करवाना चाहती है? शादी? हाँ अभी आपने पूछा ना, दूसरा चलेगा। हमने जूस के लिए पूछा था, आप दूसरी शादी करना चाहती हैं? क्यों नहीं, जो आदमी मेरे लिए इतनी सी तकलीफ नहीं उठा सकता, मुझे पुलिस स्टेशन तक घसीट लाया, वो मेरे लायक कैसे हो सकता है? अच्छा अभी बंद करना पड़ेगा, मेरा वीडियो बनाने का टाइम हो गया है, मिलते हैं, बाय। हमारी तरफ से बाय सिया। हेलो फ्रेंड्स। अरे जैसा कि आप देख रहे हैं मैं महिला पुलिस स्टेशन आई हूँ आपके लिए सुपर सरप्राइज देने। कोई खेले लूडो, कोई खेले रमी, सुपर टॉक टॉक बनाए सिर्फ पमी। यस। तो सबसे पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा, जे के पहले क्या आता है? आई। लाइक कीजिए पसंद आए तो। अरे मैडम छोड़ दीजिए हमको, आप हमको नहीं जानती है। मत जाने देना मैडम। अरे तुमको तो हम बताते हैं कि तुम कौन हो, पहले अपनी वो सुपरस्टार वो टॉक टॉक वाली आंटी को बुलाओ। अरे मैडम नहीं बुला सकते उनको, वो बहुत बिजी है यार। करिश्मा सिंह छोड़िए। मैडम सर छोड़ेंगे लेकिन इनको इनका पहचान बताने के बाद। अरे मैडम हम खुद बताते हैं ना, अरे हम मैडम के पीआरओ कम असिस्टेंट कम अकाउंटेंट कम 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 सब कंटा आप मारेंगे ना दुनिया से कम हो जाओगे। करिश्मा सिंह छोड़िए। मैडम सर इनको तो हम बताते हैं। ये क्या किया आपने? गुदगुदी। ये क्या किया आपने? गुदगुदी। हम तो हमारे सीनियर का ऑर्डर मान रहे थे, जो आप नहीं मानती कभी। अच्छा पुष्पा जी हम भी तो आपके सीनियर हैं, कभी हमारा ऑर्डर तो फॉलो नहीं किया आपने। मानने लायक हो तो ना। क्या क्या बोला आपने अभी? नहीं कुछ नहीं कहा हमने। नहीं कहा आपने? नहीं कहा। एक मिनट आप लोग प्लीज अपना ये पर्सनल मैटर जरा साइड में रखेंगे। Impossible, मैडम सर। मिस्टर कमलेश पांडे, आपकी वाइफ ने आपके लिए मैसेज भेजा है, हम पढ़कर सुनाते हैं। उनसे कहिए कि मेरी कामयाबी से जलना छोड़कर चुपचाप घर वापस आ जाएं। आखिरी मौका दे रहे हैं वरना तलाक दे देंगे। तलाक? आज वो जो कुछ भी है मेरी वजह से है, अगर मैं नहीं तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। लास्ट चांस।